हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स, वैसे हमने जब मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ा है तब भी हमने डिस्कस किया पिछली एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो दो एग्जांपल्स हमने उठाए हैं, एक 2x2 की मैट्रिक्स है और एक 3x3 की मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। यदि मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पहले कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, इफ़ a^θ (a)i, यानी a^θ का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज a^θ। पहले भी हमने डिस्कस किया है जब यूनिटरी मैट्रिक्स को टाइप में पढ़ा, मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज a^θ कहलाता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज यूनिटरी। एक और प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, एक और तरीके से हम दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को यूनिटरी। यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a = 1, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a = 1 देन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इट इज वाइस वर्सा। दैट इज इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये हो जाता है कि अगर हम मैट्रिक्स को यूनिटरी कहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 के बराबर आता है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 है तो मैट्रिक्स यूनिटरी हो जाती है। एक एग्जाम्पल हमने 2x2 का लिया है, एक 3x3 का एग्जाम्पल है, उनको चेक करते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये शो करना है कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है a = 1/2 (1+i) (1-i) (1-i) and (1+i). सबसे पहले मैट्रिक्स का कंजुगेट पता कर लेते हैं। 1/2 इसका कंजुगेट हो जाएगा 1-i (1+i), इसका कंजुगेट 1+i और ये 1-i। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, जिसे a^θ कहा जाता है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 1/2, जो पहला रो है 1-i (1+i) (1+i) (1-i), तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया है। मैट्रिक्स भी मेरे पास है और उसका ट्रांसपोज भी मेरे पास है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a a^θ या फिर a^θ (a) कर देते हैं। अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स मेरे पास हैं तो यहाँ पे 1/2 बाहर चल रहा था, तो 1/4 हो जाएगा 1/2 (1+i) (1-i) (1-i) (1+i). अगर हम इसको देखें, ये चूँकि a^θ है, 1-i (1+i) (1+i) (1-i) दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/4 बाहर चल रहा है। तो जब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका पूरी रो का इस कॉलम के साथ होता है, प्लस का कॉलम के साथ होता है, पूरी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन को करके कुछ इस तरीके से आएगा 4 0 0 4। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1 0 0 1, यानी मैट्रिक्स आई के बराबर हो गया। क्योंकि a a^θ बराबर आई, या फिर a^θ को पहले लिखें a, वो आई के बराबर है, तो मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका एक और भी तरीका था कि मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दूं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पूरे को सॉल्व करूं, अगर वो 1 आ जाता है तो मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आती ही रहती है ये प्रॉब्लम, तो डिस्कस करते हैं। 3x3 की एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 1/√3 (1, ω, ω² (ω, ω² (ω, ω² 1) and ω। इसने ये भी कहा है क्वेश्चन में द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि अगर उस नंबर की क्यूब कर दी जाए तो 1 के बराबर हो जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, इसका एक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि लेट
मैंने ये कहा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो वन के बराबर आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू वन टू दी पावर वन अपॉन थ्री हो जाता है। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन की क्यूब रूट। अगर मुझे इस वन की क्यूब रूट निकालनी है, एक दो मेथड है मेरे पास इसके निकालने के। वैसे तो मैं इसे कोस साइन में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका भी मेरे पास एक मेथड है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है, मैं उसकी हेल्प से, जो हम ट्वेल्थ में, जो हम टेंथ में, नाइन्थ में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर हम उसी को एक बार डिस्कस करते हैं। तो चूँकि एक्स की पावर थ्री इक्वल्स टू वन है, तो मैं इसे एक्स की पावर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू जीरो भी कह सकता हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन, यानी कि ये फैक्टर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि x इक्वल्स टू एक तो वन आएगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करूँ तो जो फैक्टर मैं इसके करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड से, वो सिद्धाचार्य जी के रूल से मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धाचार्य जी के रूल को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी इज वन माइनस फोर ए सी इज फोर अपॉन टू, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू और बाई टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसके फैक्टर निकाले। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको ओमेगा कहूँ तो ओमेगा की पावर थ्री इक्वल्स टू वन हो गया है। एक रूट मेरे पास आया है माइनस वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू, इसे मैं ओमेगा कहता हूँ। और माइनस वन अपॉन टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू, इसे ओमेगा स्क्वायर कहता हूँ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर मैं यहीं पे देखूं तो चूंकि ये प्लस का साइन देता है और ये माइनस का देता है, तो ये इसका कंजुगेट है, ये इसका कंजुगेट है। तो यानी स्टूडेंट हमें ये बात समझ में आ गई है कि ओमेगा इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा। यानी ओमेगा की पावर थ्री की जगह पे वन रखा जा सकता है, इस रूट की जगह पे मैं ओमेगा ले सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। चूंकि ए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया और ये इसका भी कॉन्जुगेट हो गया है। यहीं से कॉम्प्लेक्स में हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होता है, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन होता है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट तीन प्रॉपर्टी हैं, ध्यान दीजिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन, यानी ओमेगा की पावर थ्री वन के बराबर होता है। माइनस वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू इज ओमेगा, एंड माइनस वन बाई टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस वन। इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन उसका स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का सबसे पहले कंजुगेट निकाल देता हूं। अगर ए मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालूंगा तो वन अपॉन रूट थ्री अपनी जगह पे रहेगा, वन ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाता है और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा हो जाता है। ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा और ये वन, ये ओमेगा होगा, ये वन होगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर उसका कंजुगेट, चूंकि मैं मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल रहा था तो उसी के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मैं कंजुगेट का ट्रांसपोज करूँ, इट इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर थीटा, तो वन अपॉन रूट थ्री इंटू जो मेरे पास रोज हैं उनको कॉलम और जो कॉलम्स हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, दूसरा रो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और वन, थर्ड है ओमेगा वन और ओमेगा स्क्वायर। मैंने इस तरीके से उसको कर दिया है। नाउ अब मुझे कैलकुलेट करना है ए इंटू ए टू दी पावर थीटा, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ होगा तो वन अपॉन थ्री। दोनों मैट्रिक्स को रख देता हूँ और दोनों मैट्रिक्स के फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे।
अगर हम ए को देखें तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मेरे पास है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज यानी ए टू दी पावर थीटा को देखें तो वो है वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन और ओमेगा। क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो वन अपॉन थ्री इंटू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन सभी को मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ रो कॉलम वाइज जो मल्टीप्लिकेशन होती है आप करते जाएंगे जनरल तरीके जैसे भी करते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर आएगा वो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब आएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्योंकि कहीं पर भी अगर मान लीजिए ओमेगा की पावर फोर बनती है तो उसकी जगह ओमेगा की पावर थ्री इंटू ओमेगा यानी ओमेगा लिखा जा सकता है, और अगर ओमेगा की पावर फाइव है तो ओमेगा की पावर थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा पावर थ्री वन होता है तो ओमेगा स्क्वायर आ सकता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर उसके बाद जब अगली मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, यहाँ पर वन प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब आएगा, और यहाँ पे वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और वन प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स कुछ बन के आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ए ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री इंटू, क्योंकि ये वन 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 हुआ तो थ्री, ये जीरो के बराबर है हमने दिखाया है जीरो जीरो, ये भी जीरो है जीरो थ्री थ्री ओ सॉरी जीरो, और ये जीरो जीरो और थ्री, कॉमन निकाल देते हैं थ्री को, तो ये वन जीरो 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 वन जीरो 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 यानी आई थ्री के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू आई थ्री इक्वल्स टू ए टू दी पावर थीटा इन टू ए, यानी मैट्रिक्सेस यूनिटरी मैट्रिक्स। स्टूडेंट थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स हो, फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स हो, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स हो, किसी भी मैट्रिक्स को जो भी कॉम्प्लेक्स है हम यूनिटरी दिखा सकते हैं, अगर वो यूनिटरी है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, और अगर यूनिटरी नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी तो इसको हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हमने यूनिटरी मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, किस तरीके से रैंक को समझा जाता है, आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।